कराएं और फिर अगेन बच्चों को सुला दें। हालांकि 6 महीने से छोटे बच्चों को सोते हुए, स्पेशली 2 महीने से छोटे बच्चों को उठाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन दोस्तों बच्चों को जो कि आपको इतने पानी में इतना पाउडर डालना है, तो उस हिसाब से आपको मेज़र करके आपको बच्चों को फॉर्मूला मिल्क बनाना है, यानी कि उसमें ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा फॉर्मूले का पाउडर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टिप जो दोस्तों इसमें आपको याद रखनी है वो है बच्चे की मसाज। 6 महीने से छोटे बच्चे एक्सरसाइज नहीं कर सकते। मसाज क्या होता है? मसाज बच्चे की एक्सरसाइज करने का एक तरीका होता है, क्योंकि 6 महीने से छोटा बच्चा ना ही तो क्रॉल कर सकता है, ना ही चल सकता है, ना ही वो इधर उधर बहुत ज़्यादा घूम फिर सकता है। तो ऐसे में बच्चे को मसाज, बच्चे की कैसे एक्सरसाइज होगी? जितनी बच्चे की एक्सरसाइज होती है उतना ही बच्चा हो या बड़ा हो भूख लगती है। तो दोस्तों इसलिए बच्चे की जब नेवल को ठीक हो जाती है तो आपको उसकी दिन में कम से कम 2 बार मसाज करनी चाहिए। इससे भी बच्चे की एक्सरसाइज होगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, बच्चे को भूख ज़्यादा लगेगी और बच्चे का वेट बढ़ेगा। और दोस्तों इसके अलावा मदर इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। वो ये कि अगर आपका दूध बहुत अच्छी क्वालिटी का है तो ऑब्वियसली आपके बच्चे का भी उसको उतना ही न्यूट्रिशन मिलेगा। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उनको अपनी डाइट अच्छी रखनी चाहिए, उसमें ड्राई फ्रूट शामिल करने चाहिए, नट्स शामिल करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड कंटेंट लाइक दूध दलिया लेना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों आपको दूध तो दिन में 2 से 3 बार पीना चाहिए, और भी आपको ऐसी सारी हेल्दी चीज़ें लेनी चाहिए जिससे कि आपका जो मिल्क है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो और आपका बच्चा उससे अच्छे से वेट गेन भी करे। तो ये सारे टिप्स हैं जो 6 महीने से छोटे बच्चे को मोटा करने के लिए फॉलो किए जाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह की और नई बेबी केयर वीडियो के साथ। टिल देन बाय।